राजा ने क्यों किया अपनी ही बेटी के साथ विवाह। अद्भुत कहानी। जय श्री कृष्णा मित्रों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में जो आज ये कहानी लेकर के आया हूं, ये कहानी बहुत ही अद्भुत है। इस कहानी में आप जानेंगे कि ऐसा कौन सा राजा हुआ था जिसने अपनी ही बेटी के साथ विवाह किया था। तो आइए जानते हैं इस कहानी में। परंतु आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो की समाप्ति तक बने रहें, कहानी को पूरा ही सुनें। और हमारे इस चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी वाला बटन भी अवश्य दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। आइए दोस्तों, अब आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए इस कहानी पर ध्यान देते हैं। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है, एक बीरपुर नगर के एक राजा थे जिसका नाम था बीर सिंह। ये राजा बीर सिंह नव युवक राजा थे, नौजवान राजा थे। इनके तीन रानियां थीं, लेकिन तीनों रानियां बांझ थीं, यानी संतानहीन थी। तीनों रानियों के द्वारा कोई संतान पैदा नहीं हुई। दोस्तों, एक बार ऐसा हुआ कि बीर सिंह राजा घोड़ा पर सवार हुए और शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। सुबह सुबह निकल गए तो इन्होंने जंगल में देखा कि एक बूढ़ी औरत मूंज में गांठ लगा रही है और बैठी हुई है। राजा बीर सिंह उस बूढ़ी औरत के पास में गए। जानते हैं भाई बूढ़ी औरत कौन थी? दोस्तों, कोई सामाजिक बूढ़ी औरत नहीं थी, ये बैमाता थी। दोस्तों, बीर सिंह जब बैमाता के पास में पहुंचे और कहने लगे, बूढ़ी माँ, ये आप क्या कर रही हैं? मुझ में गांठ क्यों लगा रही हैं? दोस्तों, तब बैमाता कहने लगी, बेटा तुम्हें नहीं मालूम, हम ये जोड़ी बना रही हूं और जोड़ी को बिगाड़ रही हूं। राजा बीर सिंह ने पूछा, माता मैं कुछ समझा नहीं, कैसी जोड़ी आप बना रही हैं, कैसी जोड़ी बिगाड़ रही हैं? बैमाता ने कहा, बेटा मेरा तो यही काम है कि जोड़ी को बनाना और जोड़ी को बिगाड़ना। मैं इंसानों की जोड़ी बनाती हूं, इंसानों के विवाह की जोड़ी बनाती हूं और उनकी बिगाड़ती भी हूं, यही हमारा काम है। राजा वीर सिंह सोचने लगे, ये कैसी पागल बुढ़िया है। राजा वीर सिंह घमंडी राजा थे, अपने घमंड में रहते थे। तो राजा ने पूछा, मां चलिए अच्छी बात है, आप जोड़ी बनाती हैं तो हमारी बारे में बताइए कि हमारी जोड़ी किसके साथ है, हमारा विवाह किसके साथ होगा, हमारी जोड़ी किसके साथ बनेगी। बैमाता ने कहा, बेटा तुम्हारे तीन रानियां तो पहले ही घर में मौजूद है और तुम हमसे मजाक कर रहे हो, इसका मतलब है कि तुम हमारी हंसी बना रहे हो। तो क्रोध में आकर के बैमाता ने कह दिया, हे राजन, हे बेटा, तुम्हारा विवाह तुम्हारी जोड़ी तुम्हारी सगी बेटी के साथ होगी, मैंने लिख दी है, और तुम्हारा विवाह तुम्हारी बेटी के साथ ही होगा। दोस्तों, जब राजा ने बैमाता के शब्दों को सुना तो राजा समझ गया, वीर सिंह ये कोई साधारण बुढ़िया नहीं है, ये हमें देवी लगती है। उसके बाद में राजा वीर सिंह बैमाता के सामने अपना सर झुका लिया और हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करने लगी। कहने लगी, मां हमें माफ कर देना, मैं आपको पहचान नहीं सका, हमसे भूल बन गई, ये आपने क्या कह दिया कि मेरा विवाह मेरी जोड़ी मेरी सगी बेटी के साथ में होगी? जवाब दिया, हां मैंने जो कह दिया है वो सत्य होगा, जाइए राजा। राजा ने फिर गुहार की, निवेदन किया, फिर बार बार क्षमा याचना की और कहा कि मां हमें माफ कर देना, हमसे भूल बन गई है। तब बैमाता ने कहा, जाइए राजन, इस कलंक से बचने के लिए, इससे बचने के लिए तुम खुद ही अपना उपाय करो, मैं कुछ नहीं कह सकती हूं। दोस्तों, वीर सिंह राजा के चेहरा पर उदासी छा गई थी, चेहरा कुमला गया था। उदास चेहरा लिए हुए वीर सिंह राजा अपने महल में आए।
रानी चंद्रलेखा ने जब देखा तो चंद्रलेखा उठ करके अपने पति वीर सिंह के पास में गई और कहने लगी, महाराज आज आपका चेहरा उदास है, फूल जैसा चेहरा हमेशा खिला हुआ नजर आता था, लेकिन आज आपका चेहरा बहुत ही उदास है, कुमलाया हुआ है, क्या बात है दोस्तों। तब राजा वीर सिंह ने अपनी रानी चंद्रलेखा के लिए चंगल की बुढ़िया की सारी दास्तान बताई। अपने पति की बात को सुनकर के रानी चंद्रलेखा कहने लगी, महाराज आप परेशान क्यों हो रहे हैं, अभी तक कोई संतान नहीं हुई है, इतने दिन शादी के लिए हो गए, कोई संतान होगी ही नहीं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। चलिए हम मानते हैं, लेकिन फिर भी जब संतान होगी तो मैं लड़की को जन्म ही नहीं दूंगी, देखें आपका विवाह कैसे हो जाएगा, आपको कलंक कैसे लगेगा। दोस्तों इस तरीका से रानी चंद्रलेखा ने अपने महाराज वीर सिंह के लिए धैर्य धारण करवाया, धीरज बंधवाया। उसके बाद में राजा वीर सिंह शांत हो गए। धीरे 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 इसी तरह से समय गुजरता हुआ आगे के लिए बढ़ा तो कुछ समय के बाद में चंद्रलेखा के गर्भ ठहर गया, यानी चंद्रलेखा ने गर्भ धारण किया। चंद्रलेखा ने यह नहीं सोचा था कि हमारे गर्भ से लड़की ही पैदा होगी, वो सोचती थी हमारे गर्भ से लड़का पैदा होगा। दोस्तों इसी तरह धीरे धीरे समय और गुजरने के बाद जब प्रसव का समय आया तो रानी चंद्रलेखा ने अपनी बांदी के लिए बुलवाया और कहा कि 24 घंटे अब हमारी आप सेवा में रहें। दोस्तों रानी चंद्रलेखा की बांदी यानी दासी चंद्रलेखा के पास में बराबर रहने लगी और सेवा करने लगी। दोस्तों जब रानी चंद्रलेखा का प्रसव हुआ तो उन्होंने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, और जब कन्या को जन्म दिया चंद्रलेखा ने देखा तो चंद्रलेखा सोचने लगी और दुखी होने लगी, ये क्या हुआ, कहीं ऐसा ना हो हमारे महाराज के लिए कलंक लग ही जाए, उस बुढ़िया की बात कही हुई सत्य हो ही जाए। वो चंद्रलेखा डर चुकी थी। कुछ समय के बाद विचार करने के बाद चंद्रलेखा ने अपनी दासी से कहा कि दासी ऐसा करो, अगर ये कन्या यहां घर पे रही और हमने इसे पाला तो हमारे महाराज के लिए ये बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा, और तुम ऐसा करो इसको ले जाओ और कहीं जंगल में इसको गाड़ा। दोस्तों वही हुआ, वह दासी महारानी से आज्ञा लेने के बाद उस बेटी को दफन करने के लिए जंगल की ओर चल दी। दासी ने सोचा अगर मैं जंगल में गई अगर किसी ने देख लिया तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी, पोल खुल जाएगी, इसलिए गांव से बाहर जो नगर के लोगों के कूड़े घूरे पड़ा करते थे वहीं उसने घूरे में एक गड्ढा किया और उसे उसी घूरे के गड्ढे में दासी ने उस बेटी को दफना दिया और पुनः रानी के महल में वापस चली आई। दोस्तों इधर रानी ने इस बात की कोई खबर अपने महाराज वीर सिंह के लिए नहीं मिलने दी और निश्चिंत होकर के रानी महल में रहने लगी। इधर क्या हुआ, जो घूरा मालिक था उसने घूरा एक अपने किसान को बेच दिया था। किसान ने क्या किया, उसी नगर के रहने वाले एक कुम्हार और कुम्हारी को बुलवाया और कहा कि जो कल घूरा हमने खरीदा है इसको ले जा करके हमारे खेतों में डाल। दोस्तों इधर सवेरा हुआ, फावड़ा को लेकर के वह कुम्हार और कुम्हारी घूरा डालने के लिए उस किसान के खेत के लिए चल दिए। आकर के घूरा को खोदने लगे, घूरा को भर करके डालने लगे। जब फावड़ा जो बच्ची गड़ी हुई थी उसी के जब नजदीक उसने चलाया, बच्ची के तो नहीं लगा लेकिन बच्ची रोने लगी, चिल्लाने लगी। कुम्हार और कुम्हारी ने देखा, असमंजस में पड़ गए, ये आवाज अचानक एक बच्चे के रोने की कहां से आई, इधर उधर देखने लगे। कुम्हार कहने लगा अपनी पत्नी से, हमें ये लग रहा है किसी घूरे के अंदर से ये आवाज आ रही है, कान लगा करके सुना तो समझ गया कि इसी घूरे के अंदर से ही आवाज आ रही है। फावड़ा की वजह उसने हाथों से घूरा हटाया और खोदा तो उसमें से एक कन्या निकली, और जब उस सुंदर कन्या को देखा तो कुमारी ने उसे अपनी छाती से लगा लिया, सोचने लगी, हे भगवान, हे ईश्वर, आपकी लीला महान है, हमारे भी कोई संतान नहीं थी, आपने हमें ये बच्ची दे दी, हम इसको बड़े लाड़ प्यार से पालूंगी। दोस्तों वे कुम्हार और कुम्हारी उस बच्ची को अपने घर ले आए
और लाड़ प्यार से उसे पालने लगे। वो लड़की एक देवी के समान नजर आती थी। धीरे धीरे समय बीतने के बाद वो लड़की नौजवान हो गई। एक दिन उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आप अपने पशुओं को रोज चराने के लिए ले जाते हैं, लेकिन कल से मैं ले जाया करूंगी। दोस्तों, अगला दिन हुआ। अपने पिता कुमार से आज्ञा लेने के बाद वो सुंदर कन्या, जो एक देखने में सुरख की अप्सरा नजर आ रही थी, पशुओं को लेकर के और उस नगर के बाहर खेतों में चराने के लिए पहुंच गई। इधर राजा वीर सिंह शिकार खेलने के बाद अपने महल को जब वापस जा रहे थे, वहीं से गुजरे जहां वो सुंदर कन्या पशुओं को चरा रही थी। राजा वीर सिंह की नजर उस कन्या के ऊपर पहुंची, जो देखने में बहुत सुंदर थी। तो राजा वीर सिंह उस कन्या को देख करके मोहित हो गया। सोचने लगा, हम इस कन्या से विवाह जरूर करेंगे। दोस्तों, राजा वीर सिंह अपने महल में आए और रानी चंद्रलेखा से उस लड़की के बारे में सारी दास्तान कह सुनाई और कहा, रानी ये पता लगाओ कि ये किसकी बेटी है, हम इसके साथ में विवाह करेंगे। दोस्तों, एक बात बताएं, पहले का ऐसा कुछ नियम था कि एक राजा एक नहीं कितनी भी शादियां करे, लेकिन बाकी रानियों को कोई दुख नहीं हुआ करता था। पहले कोई प्रतिबंध नहीं था कि एक ही शादी करो, जितनी मन में आए उतनी करो। दोस्तों, तब रानी चंद्रलेखा ने अपने पति के कहे अनुसार उस बेटी का पता लगाया कि ये एक कुम्हार की बेटी है। फिर उसने अपने पति को बुला करके कहा, सारी दास्तान कह सुनाई कि ये तो एक कुम्हार की बेटी है। राजा वीर सिंह कहने लगे, तो रानी उस कुम्हार के घर में हमारी शादी के लिए प्रस्ताव भेज दो। रानी चंद्रलेखा ने कहा, महाराज परंपरा के अनुसार चलो, परंपरा से बाहर चलने की कोशिश मत करो। मतलब रानी चंद्रलेखा कहने लगी, नाई पंडित को भेजो और वो उस कुमार के घर जाएंगे और आपका प्रस्ताव पहुंचा देंगे। दोस्तों, वही हुआ। राजा ने नाई पंडित को बुलाया और सारी बात कह समझाई। नाई पंडित राजा के शादी का प्रस्ताव लेकर के उस कुमार के घर में गए और सारी बात कह सुनाई और कहा कि हमारे महाराज आपकी बेटी से विवाह करना चाहते हैं और शादी का प्रस्ताव उन्होंने भेजा है। दोस्तों, वो कुमार कहने लगा, पंडित जी और नाई से आप हमारी क्यों मजाक बना रहे हैं? कहां वो राजा और हम उनके राज्य के एक नागरिक, हमारी और उनकी क्या समानता हो सकती है? नाई पंडित कहने लगे, नहीं भाई, ये सच है कि हमारे महाराज आपकी बेटी पर मोहित हो गए हैं, उनसे प्रेम करते हैं और इसलिए उनसे विवाह जरूर करेंगे, उन्हीं ने हमें भेजा है। दोस्तों, कुमार कुमारी बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद में महाराज वीर सिंह शादी करने के लिए गए और उसी कुमार की बेटी और राजा वीर सिंह से विवाह हुआ। कहने का मतलब है कि वह तो वीर सिंह की ही बेटी थी, लेकिन वीर सिंह को इसका पता भी नहीं था। दोस्तों, कुमार की बेटी से विवाह करने के बाद में राजा वीर सिंह जब घर पे आते हैं, इधर रानी चंद्रलेखा अपने महाराज की स्वागरात के लिए तैयारियां कर रही है। दोस्तों, रानी चंद्रलेखा ने देखा कि पड़ोस में एक बकरा और बकरी एक घर में रहते हैं, पालतू हैं, बंधे हुए हैं। दोस्तों, बकरा ने जब ये देखा कि ये तो बहुत बड़ा अनर्थ होने के लिए जा रहा है, जो एक बेटी का विवाह पिता के साथ हो गया, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा अगर राजा ने बेटी के साथ ही रात गुजार ली तो। दोस्तों, उस बकरा ने उस बकरी से कहा, देखिए आज बहुत बड़ा अनर्थ होने के लिए जा रहा है पड़ोस में। बकरी कहने लगी, कैसा अनर्थ होने के लिए जा रहा है? तो सारी दास्तान उस बकरी से बकरा ने कही राजा की और कहा कि राजा ने अपनी ही बेटी के साथ विवाह किया और आज रात अपनी बेटी के ही साथ गुजारने वाला है, और अगर राजा ने अपनी बेटी के साथ ही ये रात गुजार ली तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। जब बकरा की बात बकरी ने सुनी तो बकरी कहने लगी, हे भगवान, हे ईश्वर, ये क्या मैं सुन रही हूं? ये क्या अनर्थ होने के लिए जा रहा है बाप और बेटी का? ऐसा कर प्रभु,
आज के बाद हमें तू गूंगा बना दे, बहरा बना दे, ना हम कोई ऐसी बात सुन सकूं और ना ऐसी बातें कभी सोच सकूं। दोस्तों, बकरा बकरी वो बहरे बन जाते हैं कुछ समय में। ये सारी बातें वो रानी चंद्रलेखा सुन रही थी और देख रही थी। जब बकरा और बकरी ने बोलना बंद कर दिया तो रानी चंद्रलेखा को लगा कि ये तो हकीकत में नहीं बोल पा रहे हैं। आवाज लगाई तो सुना भी नहीं। तब रानी चंद्रलेखा ने विचार किया, ये क्या हुआ, ये तो बहुत ही बुरा अनर्थ होने के लिए जा रहा है। एक कमी हमने की थी, एक भूल की थी, मैंने बहुत छिपाया कि हमारे महाराज पर कलंक न लग जाए। हमने अपनी बेटी को घूरे में गड़बा दिया था, लेकिन बही बेटी का विवाह हमारे महाराज के साथ में हुआ। रानी बुरी तरीका से चंद्रलेखा रोने लगी और धरती मां से अरदास करने लगी और कहने लगी, हे मां, तू हमें अपने अंदर ले ले, तू हमें अपने अंदर में समाहित कर ले, मैं ऐसा पाप सहन नहीं कर पाऊंगा, हमने बहुत बड़ी लंबी भूल की है। दोस्तों, कहते हैं कि धरती मां वहां पे फट जाती हैं और धरती मां निकलती हैं और चंद्रलेखा को बैठाल करके चलने के लिए, यानी धरती में समाहित होने के लिए होती हैं। तब तक सैनिकों ने जाकर के सारी बात राजा से कही। राजा एकदम भागा और जहां रानी जमीन में समा रही थी वहीं पर पहुंच गया और कहने लगा, राजा वीर सिंह, रानी चंद्रलेखा ये क्या कर रही हैं आप, इस जमीन में अंदर जा रही हैं, क्या बात है। तब रानी चंद्रलेखा ने आंखों में आंसू भर करके सारी बात राजा से कह सुनाई और कहने लगी, महाराज माफ करना, हमसे बहुत बड़ी भूल बनी थी। जिसे आप विवाह करके लाए हो ये आपकी सगी बेटी है, जिसे मैंने जन्म लेते ही ये घूरे में गड़बा दिया था, लेकिन कुमार और कुमारी ने इसे निकाल लिया, इसका पालन पोषण कर लिया। महाराज, अगर मैं ये बात आपको नहीं बताती तो आज बहुत बड़ा अनर्थ रात्रि में हो जाता और ये मैंने पाप किया है। अब मैं संसार को मुंह नहीं दिखाऊंगी, इसलिए मैं जमीन में समाई जा रही हूं। और जब रानी चंद्रलेखा के ऐसे शब्दों को सुना तो राजा वीर सिंह की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा राजा वीर सिंह, रानी अब हम भी चलेंगे, हम भी इस संसार को मोह नहीं दिखाएंगे, ये क्या हुआ, हमसे भी एक भूल बनी है जो हमने इसके साथ में विवाह की। हमने एक बुढ़िया की मजाक बनाई थी जिसका फल हमें आज ये मिला। वो कोई साधारण बुढ़िया नहीं थी, वो कोई बहुत बड़ी देवी थी। दोस्तों, रानी चंद्रलेखा के साथ में जब राजा जमीन के लिए समाने के लिए धरती मां के सिंहासन पर चढ़ गए तो धरती में समाने से पहले अपने मंत्री से कहा कि एक हमें कागज और कलम दे दो। मंत्री ने कागज कलम दे दिया राजा वीर सिंह के लिए। दोस्तों, उसमें उन्होंने सारी रियासत अपनी ही बेटी के नाम कर दी और उसमें लिख दिया कि आज के बाद हमारी ही ये बेटी इस राज्य की उत्तराधिकारी बनेगी और यही राज्य चलाएगी। और इतना लिखने के बाद वो रानी चंद्रलेखा और राजा वीर सिंह उसी धरती में माता धरती के साथ जमीन में समा गए। तो दोस्तों, यही राजा वीर सिंह हुए थे जिन्होंने अपनी ही बेटी के साथ विवाह किया था बैमाता के कहने के अनुसार। लेकिन जो अनर्थ, जो पाप होने के लिए जा रहा था, वो अनर्थ, वो पाप बच गया, वो नहीं हुआ, लेकिन विवाह तो पिता और बेटी का हो ही गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।